बिहार में कोरोना वायरस दस्तक दे चुका है और कोरोना के दो पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है। जिसकी मौत हुई वह 38 साल का सैफ अली मुंगेर का रहने वाला था। 20 मार्च को एम्स में भर्ती हुआ था। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि जिस मरीज की मौत हुई है वह पटना के एम्स में किडनी का इलाज करा रहा था और दूसरा मरीज पटना का रहने वाला है। और उनका जो टेस्टिंग था वो हम लोगों को शाम को पता चला कि वो पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी। दूसरा पटना का ही मरीज है और इनके परिवार में भी ट्रैवल हिस्ट्री था इटली के लिए, और वो अभी एम्स पटना में हॉस्पिटलाइज्ड है, पटना की रहने वाली है। तो हम लोगों ने अभी उनके सभी पतों को ले लिया है और पिछले 15 दिनों का उनका जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसको रिकंस्ट्रक्ट करके ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग किया जाएगा कि इनके संपर्क में वो रहे हैं। इसमें स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये भी है कि जहाँ पर भी कोई केस पाया जाता है उसके 3 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी घर हैं वहाँ पर डोर टू डोर सर्वे करा करके ये देखना है कि यदि किसी के पास कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या कोई ऐसे सिम्टम्स जो इसके लिए है वो है या नहीं है। तो ये सब कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुरू कर दी गई है और आने वाले दिनों में हम सभी कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करके उनको क्वारंटीन करेंगे और यदि आवश्यक हुई तो शेड्यूल में से किसी की टेस्टिंग करनी पड़ी तो उसकी पॉजिटिव है। आपको बता दें, देश भर में अब तक कोरोना पॉजिटिव के 330 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 7 की मौत हो चुकी है। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने देश भर में मेट्रो सेवाओं को 31 मार्च तक बंद करने का फैसला किया है। राज्यों को केंद्र सरकार ने सलाह दी है कि देश के 75 जिलों को लॉकडाउन करने की घोषणा कर दी जाए। न्यूज डेस्क।